नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली स्टडी पे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, दास कैपिटल किसकी रचना है? जी हाँ, दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर होगा प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की खोज किसने की? जी वायुयान की खोज किसने की? जी हाँ, इसका उत्तर होगा ओलिवर और विलिवर राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? जी हाँ, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? इसका उत्तर होगा रोम। ये रोम जो है इटली की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? जी हाँ, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? इसका उत्तर होगा 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? जी हाँ, तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? इसका उत्तर होगा 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? जी हाँ, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? इसका उत्तर होगा 1928 के एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में हुआ था ये ओलंपिक, उसी समय ये आपका हॉकी को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? जी हाँ, शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो ये आपका सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जी हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 1948 में। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जी हाँ, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह आपका जोग या अगरसप्पा, जो श्रावती नदी पर कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? जी हाँ, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? इसका उत्तर होगा 385,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर होगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा कोलार, जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? जी हाँ, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका उत्तर होगा 12 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा हीरा। जी हाँ, पन्ना जो खाने हैं ये आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? जी हाँ, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? इसका उत्तर होगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जी हाँ, इसका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना देश का पुराना नाम क्या है? जी हाँ, घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। इसका उत्तर होगा गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जी हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। इसका उत्तर होगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? जी हाँ, अमेरिका की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा 1492 में क्रिस्टोफर कोलम्बस ने। जी हाँ, इसका उत्तर होगा 1492 में क्रिस्टोफर कोलम्बस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? जी हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? इसका उत्तर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। जी हाँ, उत्तर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? जी, इसका उत्तर होगा 22 मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज किसने की? जी हाँ, रेडियम की खोज पियरे और मेरी क्यूरी ने की थी। इसका उत्तर होगा पियरे और मेरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1°C की कमी होती है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? इसका उत्तर होगा थाईलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिंग है? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। इसका उत्तर होगा चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जी हाँ, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? जी, इसका उत्तर होगा 23 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा तेनजिंग नॉर्के, जो भारत के, और एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की रचना किसने की? जी हाँ, पद्मावत की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसका उत्तर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जी हाँ, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इसका उत्तर होगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा तांबे की खान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।